अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रेड के चिकन स्लाइस बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चले आएँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए शिमला मिर्च। एक लार्ज साइज़ की आपने शिमला मिर्च में लेनी है, जिसको अच्छी तरह धो लेना। उसको बड़ी पीसीस में छोटा छोटा काट लेना। ये कम अज़ कम एक कप शिमला मिर्च है। फिर आपने 2 टेबल स्पून हरी प्याज लेनी है, जिसको इतने छोटे छोटे बड़ी पीसीस में काट लेना। 1 कप बोनलेस चिकन लेना, इनको इस साइज़ के छोटे छोटे पीसेस में काट लेना। 1.5 टेबल स्पून मैदा लेना है, ये 4 चम्मच मैदा। 1 अंडा लेना है। 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है। 1 टेबल स्पून पानी लेना है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेना है। 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च लेनी है। 1 टीस्पून चीनी लेनी है। 1.5 टीस्पून नमक लेना है। मिक्सचर तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल लिया, इसमें मैं अब 1 अदद अंडा डालूंगी और 1 टेबल स्पून पानी डालूंगी। उसको अच्छी तरह फेंट लूंगी। इसको अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि पानी और अंडा दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं मैदा डालूंगी। कॉर्नफ्लोर डालूंगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं काली मिर्च, नमक और चीनी डालूंगी। और ऑयल डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डालूँगी। मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं हरी प्याज डालूँगी। चिकन डालूंगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब ये मैंने 6 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लिए, मीडियम साइज के स्लाइस हैं। इसको मैं अच्छी तरह काट लूंगी अब ट्रायंगल शेप में, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से ट्रायंगल शेप में काट लेना। इसी तरह मैं एक एक करके सारे स्लाइस इसी शेप में काट लूँगी और साइड पर रखती जाऊँगी। और फिर उस मिक्सचर को इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा लेना और फ्राई कर लेना। अब जी मैं एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी, इसके ऊपर मिक्सचर लगाऊँगी। मिक्सचर को हर तरफ से स्प्रेड कर लेना अपने ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से। और उसको मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। इसी तरह मैं एक एक करके सारे मिक्सचर को तैयार कर लूंगी। ये देखिए, अब मैंने सारा मिक्सचर ब्रेड के ऊपर लगा लिया इस तरीके से। आपने 10 मिनट के लिए इसको साइड पर रख देना है ताकि ये ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से मिक्सचर सेट हो जाए। इसके बाद हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना। अब ये एक मैंने फ्राई पैन लिया, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। देखिए, अब ये ऑयल गर्म हो गया और ब्रेड के ऊपर मिक्सचर भी सेट हो गया। तो अब इसको हम एक एक करके फ्राई पैन में डालेंगे। हमने इसकी एक साइड जो मिक्सचर भी लिया है वो शैलो फ्राई करनी है, दूसरी साइड बिल्कुल भी नहीं पकानी। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह सारे शैलो फ्राई कर लूँगी। ये देखें, इस तरह का कलर आना चाहिए। टेस्टी ब्रेड चिकन स्लाइस तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।